कश्मीर के शोपियां के बोना बाजार इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मुन्ना लाहौरी उर्फ बिहारी समेत दो आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद हुए बरामद। रामबन जिले में नेशनल हाईवे के पास कई स्थानों पर लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन गिरने से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए किया गया बंद। अमरनाथ से वापस आने वाले यात्री मगारकोट और डिगडोल के बीच फंसे। भारत सरकार की जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत। सरकार भेज रही है एक्स्ट्रा फोर्सेस की कंपनी। कुपवाड़ा में पाक सेना ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम, एक जवान शहीद। राफियाबाद में सड़क पर पलटा सैन्य वाहन, 3 सैन्यकर्मी घायल। बीएसएफ ने करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में करगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया एक कार्यक्रम। आईजी बीएसएफ अभिनव कुमार ने शिरकत कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भाजपा के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्रीनगर के दौरे पर। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर किया स्वागत। चौहान ने राज्य के नेताओं के साथ मिलकर श्रीनगर में बच्चों के अस्पताल में चलाया स्वच्छता अभियान। आज जम्मू के रणबीर नहर में मिला एक अज्ञात शव, पुलिस ने केस रजिस्टर कर शुरू की मामले की जांच। एसडीआरएफ के उम्मीदवारों ने आज एक बार फिर किया विरोध प्रदर्शन। वर्ष 2012 में विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि की मांग की।